नमस्कार साथियों, आज हम बात करते हैं भाई दुबई से रिलेटेड। दुबई तो देखिए, यूएई में तो कानून तो बहुत अच्छा है, नो डाउट, ठीक है। उसके बाद में समय समय पे दुबई सरकार की तरफ से भी वर्करों की हेल्प होती रहती है, चाहे वो किसी मैटर में फंसा हुआ हो, पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, चाहे मेडिकल से रिलेटेड हो या फिर और भी कोई दिक्कत होती है, तो सऊदी की सरकार उनका कर्ज जो हर्जाना है, जो उनका माफ़ जो फाइन वगैरह है, माफ़ करती रहती है। इंडियन एम्बेसी की तरफ से भी हेल्प होती रहती है। अभी भी आज एक लेटेस्ट न्यूज़ निकल के आई है इंडिया के, बता दूँ 4 साल से, जी हाँ साथियों, 4 साल से बुज़ुर्ग दंपति यहाँ परेशान हो रहे थे, कानूनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था उनको, जी हाँ। और उनको बता दूं कि उम्र थी 65 साल बुज़ुर्ग व्यक्ति की और महिला की थी, लगभग 61 साल की एज थी। उनका कोई टाइम में अच्छा बिजनेस हुआ करता था, 2017-18 में उनकी जॉब चली गई, बिज़नेस ठप पड़ गया वगैरह वगैरह, तो उनसे नुकसान होने लगा है। 2017-18 में वीज़ा एक्सपायर हो गया, आपको पता है भाई, वीज़ा एक्सपायर हो गया इतनी उम्र में, फिर तो रहने का आपको समझ रहे क्या दिक्कत होने वाली है विदेश की धरती पर। तो वो लोग जहाँ पे रह रहे थे रेंट से, उसका किराया पता है सर, वो जो मकान मालिक है उसने कितना कर रखा था, लगभग 2 लाख दराम, जी हाँ साथियों, लगभग 2 लाख दुबई दराम उसने 4 साल में उसका किराया कर रखा था, और भी कानूनी समस्याओं का सामना करना उनको पड़ रहा था। अब उसमें कुछ, आपको पता है भाई, मैं हर बार बोलता हूँ कि कुछ संस्थाएँ होती हैं जो सोशल एक्टिविस्ट होते हैं, जो हेल्प करते हैं, और हेल्प वही करते हैं जो पहले से सेटल होते हैं बंदे, ठीक है। वो कहीं ना कहीं फिर वो 2 रुपये उन हेल्प कर देते हैं, काम की भी या फिर कोई फ़ोन वगैरह वगैरह, बहुत सारी हेल्प होती है। तो इन बंदों की फिर बता दूँ, ये काउंसलेट में आपको पता है इंडियन एम्बेसी में तो कॉन्टेक्ट करना पड़ता है, इंडियन एम्बेसी ने जो वहाँ के जो एम्बेसडर है उन्होंने भी बोला कि ये मामला हमारे पास 1 साल से हमारे संज्ञान में था, हमें पता था इस बात का, लेकिन ये मामला कानूनी दांवपेच में फंस गया था, क्योंकि केस हो गए थे उनके ऊपर, एक तो रेंट का केस हो गया था, एक दो और भी उनके ऊपर मुकदमे चल गए थे। तो वो आपको पता है, फिर मुकदमा लग जाता है तो बंदा दुबई छोड़ के कैसे जाए, कितनी बड़ी प्रॉब्लम आती है। इनकी जो हेल्प की उन्होंने, जैसे तमिल एसोसिएशन दुबई कंप्यूटर विमर्क के अध्यक्ष सिद्धार्थ बालाचंद्रन सहित कई सामाजिक संगठनों ने उनकी हेल्प की, तब जाके उनका कुछ समाधान हो सका। कुछ उनके जो मकान मालिक था उनसे 3-4 मीटिंगें हुई, बैठ के हुई, उनको समझाया बुझाया कि भाई इसके पास पैसा नहीं है, कहाँ से। फिर 50,000 दराम पे उसका सेटल हुआ, कहाँ 2 लाख दराम थे, फिर 50,000 दराम पे उसको सेटल किया गया। अब 50,000 दराम भी अगला तो लेगा ना, तो ये कहाँ से देगा, 50,000 मतलब इंडिया के लगभग 10-11 लाख रुपये बनते हैं, कहाँ से देगा। तो ये संस्थाओं ने मिलकर थोड़ा थोड़ा करके उसको 50,000 दराम दिए। फिर उसके ऊपर एक केस और था, उसको सल्टवा के, इन सब उनका मुकदमा था, उनको सल्टवा के फिर इनकी कैसे तैसे करके सेटल करके इनको इंडिया भेजा गया। जी हाँ साथियों, इसमें इंडियन काउंसलेट का पूरा सहयोग रहा, और इंडिया के जो यहाँ पे अच्छे लोग हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो संस्थाएं बना रखी हैं, उनके माध्यम से उनका इसमें फ़ायदा, जो हेल्प कर करा के, जो भी फाइन वगैरह दे के, उनको कानूनी पिच जो पेच है उनसे निकाल के वापस इंडिया भेजा गया। जी हाँ साथियों, बस ये जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करना इसलिए ज़रूरी है कि भाई हर देश में जहाँ आप रहते हो, चाहे दुबई हो, चाहे कहीं पर भी हो, समस्याएं आती हैं, तो इंसान काम अपने लोग ही लास्ट में आते हैं। पहला है इंडियन एम्बेसी, उनके संपर्क में रहना जरूरी है, फिर उनके दिशा निर्देश में सच्चाई के साथ आप सामना, अगर आप सही हैं तो और भी लोग आपको हेल्प करने के लिए मिल जाएंगे। लेकिन आपने गलती से आपने कुछ किया है या गलती की आपने, तो उसकी सज़ा तो आपको भुगतनी पड़ेगी। ये बुज़ुर्ग थे, ठीक है, इनका 2016 में वीज़ा एक्सपायर हो गया था, इनकी कंपनी दिवालिया हो चुकी थी, तो इनकम आपको पता है इतनी एज्ड हो गई तो जॉब कौन देता, वीज़ा नहीं है, तो फिर जहाँ रहते थे रेंट से हो गया, फिर एक दो और उनका कोई मुकदमा चल रहा था, लेकिन वो सही थे, जैसे तैसे करके इनसे निकले, समाज सेवकों ने इनकी हेल्प की, एनजीओ ने इनकी हेल्प की, इंडियन एम्बेसी की तरफ से हेल्प की गई, फिर इनको अपने देश इंडिया भेजा गया, जो बहुत अच्छी एक न्यूज़ आप लोगों के साथ। आप भी अगर इसी किसी मुसीबत में फंस जाते हो तो भाई इंडियन एम्बेसी फर्स्ट ऑप्शन आपके पास बनता है, लास्ट ऑप्शन भी वही रहेगा, बाकी हेल्प तो लोग कर ही देते हैं इंडियन लोगों, ऐसी कोई बात नहीं है। बस जानकारी शेयर करनी थी, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। जय हिंद, जय